चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा देती हूँ। शमशी आजाद नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब्बास अहमद प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय राणा पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौलाना कुम्मी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शमशी जी, मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि जब से अगर हलाल की बात की जाए, हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर लगातार अब बवाल छिड़ा हुआ है इतने दिनों से, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले को राजनीति से जोड़कर देख रही है। वहीं सरकार का ये कहना है कि इसके आड़ में, हलाल सर्टिफिकेशन के आड़ में षड्यंत्र रचा जा रहा था। क्या मैं आपसे जान सकती हूँ कि क्या षड्यंत्र रचा जा रहा था? धन्यवाद आपका, और बहुत ही अहम मुद्दा, क्योंकि इस वक्त जो देश में अमन चैन चल रहा है, जो प्रदेश में शांति का माहौल बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम एकता एक साथ की जरिए, अभी देखिए दशहरा हुआ, दिवाली हुई, पूरे देश में ये पहला ऐतिहासिक क्षण था कि जब हिंदू मुस्लिम एक होकर मनाया, तो यही चीजें जो है विपक्ष को पूरी तरीके से खटक रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, लगातार जो शांति बनी हुई है, सारे मसले मसाइल जो होते हैं बड़े से बड़ा, चाहे वो लाउड स्पीकर बंद करने का मामला हो, चाहे सड़क पर नमाज पढ़ने का मामला हो, सब कुछ जो है पूरी सहमति के साथ हो रहा है। तो उन्होंने एक नया शुभ छोड़ा कि जो चीज कभी थी नहीं, उसको उन्होंने लाकर उजागर किया कि उसमें एक अलग से खाई खींचने का काम किया, एक अलग से खंडित खोलने का काम किया, जो भाईचारा बना हुआ है हलाल सर्टिफिकेट और हराम सर्टिफिकेट करके, मतलब सर्टिफिकेट और हराम सर्टिफिकेट करके, मतलब ये दर्शाना चाह रहे हैं कि जो मुसलमान धर्मों के लोग हैं, बाकी धर्मों के मानने वाले जो है, वो हराम चीज का सेवन करते हैं, तो जिससे नफरत की खाई को और बड़ा करने का काम यहाँ पर किया। और हमें शर्म आती है कि हमने देखा जफरी को मेहमान भारत जी का बयान आपके चैनल पर, और अभी जमई साहब का जो समाजवादी पार्टी से, कि उन्होंने ये कैसे हिम्मत करने के बारे में बयान देने के लिए, और उन्होंने यहाँ पर भी ये नहीं कहा कि सरकार जो काम सही नहीं लिखे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो कानून कहेगा वो हम मानेंगे, तब हम जाके मुसलमान होंगे, तब हम देश भर के लाएंगे, लेकिन जहाँ लोग उल्टा चला रहे हैं कि सब कुछ जो है कानून के खिलाफ करने की बात की जा रही है। अब अलग अलग कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट देने जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसी कंपनियों से कि उनको सर्टिफिकेट किसने दिया है, उनको कहा से यह सर्टिफिकेट दी कि वो हलाल सर्टिफिकेट जारी करे और वो मनाए। अच्छा ये भी ठीक है कि चलिए भाई हलाल आपने नामिल के अलग किया तो ठीक है, लेकिन भेजने भी आप हलाल और हराम करने लगे, जो कुदरत की बनाई हुई चीजें हैं उसमें भी आप बंटवारा करने लगे। यूपी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले जो है तो क्या कहते हैं कि अब्बास अहमद जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार विपक्ष ये आरोप लगाती आ रही कि सरकार कार्रवाई नहीं करती, और अब जब कोई अवैध कारोबार चल रहा है, को कहीं पर अनैतिक काम किया जा रहा है, तो ऐसे में अब सरकार अगर कदम उठा रही है तो सपा को क्या परेशानी हो रही है? पहली बात, मेरा नाम अब्बास हैदर है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जहाँ तक हलाल और खाने का सवाल है तो सभी धर्मों के अपने रीति रिवाज हैं, अपने खान पान की व्यवस्थाएं हैं। ऐसे इस्लाम धर्म में हलाल खाना खाया जाता है, यहूदी लोग जो है, जो जूज हैं, वो कोशर फूड खाते हैं, ईसाइयों के कुछ ऐसे तबके हैं जिनके यहाँ एक तरीके से हलाल की एक तरीका होता है, कूता फूड वो खाया जाता है। ये व्यवस्थाएं सभी धर्मों में है, जिसकी आजादी हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 21 देता है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो संस्थाएं हैं इनको पूरी तरह से प्रतिबंधित भी नहीं किया है। मैं आपको बताऊं, FIR जरूर दर्ज हुई है, क्योंकि इसमें जो है जो एक्सपोर्ट हो रहा है हलाल फूड हलाल सर्टिफिकेट के साथ, जो इन्हीं संस्थाओं द्वारा दिया गया है, उनको प्रतिबंधित नहीं किया गया, वो एग्जेम्प्टेड है इसमें से, पहली बात। तो यहाँ पे सवाल ये है कि सरकार की मंशा हलाल खाने को बंद करना है या हलाल की सर्टिफिकेट देने वाली इन एजेंसियों को बंद करना है, पहला सवाल सरकार से ये। दूसरी बात, अभी आपके पैकेज को मैं सुन रहा था, शाकाहारी वस्तुओं में हलाल सर्टिफिकेट की क्या आवश्यकता? नहीं, बिल्कुल नहीं है। FSSAI जो हमारे देश का फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसने किसी चीज पे ग्रीन टैग दिया है तो वो शाकाहारी है, यानी उसमें जो प्रिजर्वेटिव यूज हुए हैं वो भी शाकाहारी होंगे, वो भी जो ग्लिसरीन या जो भी प्रोडक्ट होंगे प्रिजर्वेटिव के, वो शाकाहारी यानी कि पेड़ों से उसको डिराइव किया गया होगा, मांस या किसी एनिमल बाय प्रोडक्ट से नहीं आया होगा, तो वो उसमें आवश्यकता नहीं है हलाल सर्टिफिकेशन की। लेकिन अगर उस पर रेड टैग लगा है तो आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें ये देखना हो जो ये जो धार्मिक मापदंड है उसके हिसाब से वो हलाल है या नहीं है। और मुझे लगता है इससे सिर्फ एक धर्म को ही सुविधा नहीं है,
इससे दूसरे धर्मों को भी सुविधा है, को जिसको हलाल नहीं खाना है वो हलाल नहीं खाएगा। और आप इस तरीके के लोगों का समर्थन करके क्या साबित करना चाहते हैं कि आप जो है तो चुनाव में इसका फायदा उठाना चाहते हैं? आप जो है जातिवाद और आप जो धार्मिक राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर, इस तरीके का बंटवारा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं भाई? पूरी बात हो जाने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोला, आपको मौका है एंकर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सवाल सिर्फ एक है कि सरकार को हलाल को बैन नहीं करना है, ठीक है? ना सरकार को इन एजेंसियों को बैन करना है। 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। आज हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में एक युवा इसलिए खुशी करता है क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिली। लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है, बेरोजगारी। अब्बास हैदर जी, मैं लौटूंगी आपके पास, और आपने जो तमाम सवाल पूछे उसका जवाब भी हम लेंगे बीजेपी प्रवक्ता से।